Hello friends, welcome to my channel. Now in this video I will discuss about accounting conventions. So let us start. There are 5 accounting conventions are as follows. First, principle of materiality. Second, principle of consistency. Third, principle of conservation या prudence. Fourth, principle of timelines and fifth, principle of industry practice. So let's start. What is the principle of materiality? Principle of materiality means this principle is an exception to the principle of the full disclosure. इसका मतलब होता है कि जो principle of materiality है ये कहता है कि हम जो भी information accounting transactions में record करते हैं, जो भी transactions को record करते हैं balance sheet journal entry में, उसमें हर एक facts की information को disclose करने की ज़रूरत नहीं है. जो important facts हैं जो कि relevant हैं उसको आप disclose करिए, जो relevant नहीं है उसको disclose करने की ज़रूरत नहीं है. So it is not compulsory to explain or disclose all the information. It means to disclose only relevant facts. For example, अगर मान लीजिए कि आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं तो उसमें अगर आपके ₹2, ₹3 के जो एक्सपेंस हो जाते हैं तो उसको आप एक मिसलेनियस एक्सपेंस के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है. Is that clear? Second, principle of consistency. The accounting methods and procedures should remain same from one to another. It should not be changed. कहने का मतलब है जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, वो सेम होते हैं और वो हमेशा फॉलो होते हैं और उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, उसको कभी भी चेंज नहीं किया जाएगा, वो फिक्स्ड होता है एंड इट शुड नॉट बी चेंज्ड. जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ा था हम लोगों ने और उसके बाद जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा. सो दीज आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट, थर्ड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव या इसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं. इट मीन्स टू रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड का मतलब फ्यूचर, ठीक है, एंटिसिपेटेड और फ्यूचर लॉसेस बट इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड गेंस और फ्यूचर गेंस. प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस कहता है कि जो हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे लेकिन फ्यूचर में होने वाले गेंस को इग्नोर कर देंगे. मतलब जैसे कई बार कंपनियां क्या करती हैं, प्रोविजंस बनाती हैं या रिजर्व बनाती हैं. वो इसलिए बनाती हैं ताकि फ्यूचर में होने वाले जो भी लॉसेस हैं वो हम उससे बच सकें. जैसे कई बार क्या होता है, कंपनी को लगता है कि हमें लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा या आग लग सकती है हमारे शोरूम वगैरह में एटसेट्रा, तो उसके लिए रिज़र्व प्रोविज़न बनाया जाता है जिससे होने वाले लॉस अगर होंगे तो इसी पैसे से उसका कॉम्पनसेशन कर दिया जाएगा. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस. प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइंस का मतलब होता है कि द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड क्विकली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. मतलब कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग ये सब बनाते हैं. इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे है और एक टाइम में बनेगा और वो जो टाइम में बनता है तो इससे यूज़र्स को बेनिफिट मिलता है कि वो अपने डिसीजंस, उनको पता चल जाए कि बिज़नेस हमारी जो कंपनी है वो किस पोजीशन पर है, उसकी प्रॉफिट क्या है और बैलेंस शीट में क्या उसकी पोजीशन और उसकी कैपिटल दिख रही है कि उसके कितने एसेट्स हैं, उसकी कितनी लायबिलिटीज़ हैं. सो द लास्ट प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्री प्रैक्टिस. दिस प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस and allows companies in this industry to adopt slightly modified rules and practice. देखिए, मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी में ये बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं. लेकिन उस प्रिंसिपल में छोटे से जो थोड़े थोड़े मैथड्स होते हैं उसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं सिचुएशन में. जैसे आपकी इंडस्ट्री, वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है. मान लीजिए आप स्टॉक की वैल्यू निकाल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स होंगे. जैसे कि पहले आपने कभी पढ़ा हो या नाम सुना हो उसका कि फीफो मेथड होता है, लीफो मेथड होता है, वेटेड एवरेज होता है. तो प्रूडेंस इंडस्ट्री प्रैक्टिस ये प्रिंसिपल कहता है कि आप प्रिंसिपल को तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसमें थोड़े से मैथड्स को आप अपने इंडस्ट्री, अपने कंपनी के हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं. आप वेटेड एवरेज भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे फीफो भी कर सकते हैं. आपको जैसा पसंद है वैसा कर सकते हैं. So these are the 5 principles which I have discussed. तो I hope ये आपको अच्छा लगा होगा और ये मेरी बनाई हुई notes है. अगर आपको अच्छा लगे तो उसको pause करके आप लिख भी सकते हैं. ठीक है, तो अच्छा लगे तो please लाइक करिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।